सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी आई एस। और हम वापस आ गए आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। आज डेट है 8th of December 2017 और देखते हैं पीआईबी आज हमारे लिए क्या क्या लेकर आया है। तो आज सबसे पहले बात करेंगे अबाउट सबमरीन आर्म ऑफ द इंडियन नेवी। देखो, जो हमारी इंडियन नेवी है उसमें कुछ सबमरीन्स होती हैं जो डिप्लॉय की जाती हैं, उनको फिर पानी में भेजा जाता है धीरे धीरे। तो वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर जिसको हम बोलते हैं सबमरीन आर्म ऑफ द इंडियन नेवी। तो यहाँ पे हम इंडियन नेवी के जो सबमरीन आर्म है उसके थोड़ी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जानेंगे। तो देखो, जो इस्टेब्लिश की गई थी सबमरीन आर्म, वो की गई थी ऑन December 8, 1967 और सबसे पहली सबमरीन थी INS कलवारी। तो देखो, याद रखना सबसे पहली सबमरीन कौन थी। और देखो, December 8, 1967 से अब हो गए हैं पूरे के पूरे 50 साल, मतलब गोल्डन जुबली बना रहा है सबमरीन आर्म ऑफ द इंडियन नेवी। तो न्यूज है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने प्रेजेंट किया है प्रेसिडेंट कलर टू द सबमरीन आर्म ऑफ द इंडियन नेवी ऑन इट्स गोल्डन जुबली। तो देखो, जो प्रेजिडेंट्स कलर होते हैं ये एक तरीके के अवार्ड के रूप में देखे जाते हैं, एक तरीके के फ्लैग सेरेमनी होती है। तो ये एक तरीके का अवार्ड है जो दिया गया है टू द सबमरीन आर्म ऑफ द इंडियन नेवी। देखो, इस जो प्रेसिडेंट्स कलर है इसकी एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि जो प्रेसिडेंट ये अवार्ड अगर किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी आर्म फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स की फोर्सेस को दे देता है तो उसके बाद वो जो डिपार्टमेंट होता है वो परमानेंसी के रूप में आ जाता है, परमानेंट हो जाता है। अब आगे कोई भी प्रेसिडेंट बने वो उस जो डिपार्टमेंट है उसको डिमोलिश नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि उसकी नेमिंग नंबरिंग चेंज हो सकती है, पर अब ये डिपार्टमेंट एक तरीके से परमानेंसी के रूप में आ गया है। अब देखो, जो प्रेसिडेंट्स कलर्स के बारे में एक चीज और देखेंगे कि जो ब्रिटिश ट्रेडिशन था उस समय किंग्स कलर होते थे, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं एज प्रेसिडेंट्स कलर। तो देखो, याद रखना कि जो हमारी नेवी है वो सीनियर है ऑफ द थ्री आर्म फोर्सेस। सबसे पहले इंडियन नेवी को एस्टेब्लिश किया गया था प्रेसिडेंट्स कलर देकर 27th of May 1951 में। तो बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे आय से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। तो रिलीज हो गया है नेशनल ट्राचोमा सर्वे रिपोर्ट 2014 to 2017, जिसने बहुत ही अच्छी खबर दी है। देखो, पहले डिस्कस करेंगे ट्राचोमा होता क्या है। देखो, ट्राचोमा के अंदर बेसिकली एक आई इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है क्लामीडिया ट्राचोमैटिस। ओके, ये इन्फेक्शियस आई डिजीज है। इसमें जो अपर आईलिड होती है हमारी आंखों की वो इन्फेक्शियस हो जाती है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि किस तरीके से एक्टिव फेज और स्केरिंग फेज में जो आंखों की आईलिड होती है वो किस तरीके से रेडिश रूप लेने लगती है। अब बात करते हैं कि इस जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसके अंदर क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट आया है हमारे लिए। तो जो सर्वे की फाइंडिंग ने ये इंडिकेट किया है कि इंडिया के अंदर जो ट्राचोमा का इन्फेक्शन है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुका है। देखो, जो सर्वे किया गया उसके अंदर बताया गया कि जो सर्वे डिस्ट्रिक्ट्स हैं विद ओवरऑल प्रेवलेंस ऑफ ओनली 0.7%, तो सिर्फ 0.7% है ट्राचोमा। और देखो, WHO की भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि किस पर्टिकुलर रेशियो के बाद आप उस पर्टिकुलर डिजीज को एलिमिनेटेड रूप में मान सकते हो। तो उन्होंने बोला था कि 5% है, ठीक है, और हमने 0.7% अचीव कर लिया है। तो न्यूज ये है कि सर्वे फाइंडिंग ने यह बताया है कि अब इंडिया इज फ्री फ्रॉम ट्राचोमा डिजीज। तो आगे बात करेंगे अबाउट MSME संबंध के बारे में। यह एक पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है आज। देखो, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लॉन्च हुई थी 2012 में। प्रोक्योरमेंट मतलब किसी चीज से लेना। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, CPSUs हैं, उनको ये गाइडलाइन दी गई थी कि जो MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनसे पर्टिकुलर क्वांटिटी, पर्टिकुलर परसेंटेज, पर्टिकुलर अमाउंट आपको प्रोक्योर करने हैं आइटम्स। तो जो सेंट्रल मिनिस्ट्री होती हैं, डिपार्टमेंट होती हैं, PSU होती हैं, उनको एक पर्टिकुलर एनुअल गोल को सेट करना था कि कितना अमाउंट वो प्रोक्योर करेंगे फ्रॉम द MSE सेक्टर, और ये पूरे साल के सबसे पहले बताया जाना था। तो जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि जो MSMEs के अंदर जो हमारे PSUs हैं उनका जो 20% आइटम है वो जा सके डायरेक्टली इन दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने अभी एक ये ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिससे जो मिनिस्ट्रीज हैं, CPSEs हैं, वो असेस कर सकें अपनी खुद की परफॉर्मेंस, और गवर्नमेंट भी देख सके कि किस डिपार्टमेंट ने कितना प्रोक्योर किया है आइटम्स फ्रॉम दी MSME सेक्टर। तो बढ़ते हैं न्यूज रूम की तरफ, देखते हैं क्या क्या न्यूज आई हैं। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही है ऑन द ग्राउंड वाटर इशू,
और इस जो ग्राउंड वाटर इशू की जो कॉन्फ्रेंस होगी उसका थीम होगा ग्राउंड वाटर विजन 2030, वाटर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। ये दिसंबर 11 से दिसंबर 13 2017 तक चलेगी। कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जो कि रुड़की में लोकेटेड है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो कि वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन। सेकेंड न्यूज ये है, एक टीम एक्सपेडिशन पे गई है ऑफ 5 इंडियन एयरफोर्स माउंटेनियर्स, और जो एक्सपेडिशन पे गई है उस माउंटेन का नाम है माउंट विंसन जो कि लोकेटेड है अंटार्कटिका में। 13 दिसंबर 2017 से ये अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। थर्ड न्यूज है हमारी की जो आर्ट ऑफ लिविंग का जो इशू चल रहा था 2016 के अंदर, जो यमुना फ्लड प्लेन्स के ऊपर इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया था, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था, जिसके बाद एनजीटी ने इनके ऊपर केस कर दिया था, उसके बाद 5 करोड़ रुपीस का फाइन भी हुआ था। तो फाइनली एनजीटी ने ये मान लिया है कि आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिग्रेडेशन टू दी यमुना फ्लड प्लेन्स। आगे देखेंगे कि क्या सजा होती है, वो फाइन से छूट जाते हैं क्या और क्या क्या चीजें होती हैं, उनको आगे डिस्कस करेंगे जब ये पूरी न्यूज सामने आ जाएगी। लास्ट न्यूज ये है, जो सेंटर है ऑन थर्सडे इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट दैट इट वॉज विलिंग टू एक्सटेंड टिल 31st of March नेक्स्ट ईयर द डेडलाइन फिक्स फॉर मैंडेटरी लिंकिंग ऑफ आधार। तो जो आधार है उसको सारी चीजों से लिंक करना है, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, पैन कार्ड हो, तो सुप्रीम कोर्ट को बताते समय गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम लोग डेट एक्सटेंड कर देंगे 31st of March 2018 तक। और न्यूज में अब ये खबरें भी आ गई हैं कि 31st of March 2018 तक डेट बढ़ चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे पीआईबी की और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।